आ पहुंचा हूं मैं लिटिल इंडिया, नाम यहां लिखा हुआ है श्री वीर कमली अम्मन टेंपल। लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ ही देखिए ओपन में फैंस लगे हुए हैं उनके सहूलियत के लिए। और गार्डन्स बाय द वे के सामने होटल मरीना बे सैंड्स, इस जगह को ओलंपिक वॉक कहते हैं। और बिल्कुल इसके सामने ही है द शॉप्स एट मरीना बे। ये देखिए इधर से आ रहा है गंडोला। अब गंडोला जैसे डिज़ाइन नहीं है, कुछ इनका अपना ही डिज़ाइन है, बट स्टेज अच्छा है ना। मॉल के अंदर बोट्स चल रहे हैं। तो फिलहाल हम आ पहुँचे हैं मस्जिद सुल्तान मस्कट स्ट्रीट, बड़ा ही फेमस स्ट्रीट है ये। और अब चले हम शहर की ओर, अपने होटल की ओर। तो आ पहुंचा हूं मैं लिटिल इंडिया में। ये है लिटिल इंडिया और ये देखे सेरंगन रोड पे बड़ा ही खूबसूरत सा एक मंदिर, नाम यहाँ लिखा हुआ है श्री वीर कमली अम्मन टेंपल। थोड़े ही आगे ये मस्जिद अंगुलिया हॉलीडे इनके नज़दीक। जा रहा हूँ फिलहाल मेरे हॉस्टल की ओर। और ये आ गया मेरा हॉस्टल अटलांटिस स्पॉट। कुछ ऐसा है ये हॉस्टल, कुछ खास नहीं है। Bugis Junction. Yeah, this side is Bugis Junction. Okay. This one is Bugis Plus. Bugis Plus. Yeah. And Bugis. Beautiful. This one is Bugis Village. Bugis Village. All are Bugis. Yeah. Bugis Street. Right. We will come here one day. Bugis Street. ये सनटेक सिटी है, हर पीछे आप देख सकते हैं जैसे लंदन आया था वैसे यहाँ का सिंगापुर है। और ये ऑफिशियल बिल्डिंग से सारे हैं, DBS, Standard Chartered, all big banks are here, Maybank, bank, all are here. And this is the garden, the MBS. MBS. Yeah. हम आ गए हैं मिलान पार्क पे। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड मिलान पार्क है, जुबली ब्रिज है, फुलटन वाटर बोट हाउस एंड राइट में फुलटन पवेलियन, क्लिफोर्ड स्क्वायर, फुलटन बे होटल सिंगापुर एंड फुलटन होटल सिंगापुर है। चलिए देखते हैं क्या और कैसा है। और यह है मरीना बे होटल, साथ में लेफ्ट में आप देख सकते हैं द आर्ट एंड साइंस म्यूजियम। और ये हम आप पहुँचे हैं मलायन पे। मलायन बेसिकली एक सिंगापुर का लोगो है जिसे कह सकते हैं। और इसका बॉडी एक ममेड का है एंड फेस एक लायन का, सो मलायन। आप जब भी सिंगापुर कहीं भी सर्च करेंगे आपको ज़रूर से ये लोगो दिखेगा। ये इनके लिए बहुत ही लकी है ये क्रीचर, कहते हैं किसी ने इन्हें देखा था इसे सी में और फिर सिंगापुर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। अगर मुझे स्टोरी मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा गूगल करके, फ़िलहाल मुझे याद नहीं है बट दैट्स द रीज़न। यहाँ रिवर क्रूज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है 2 PM to 9 PM डेली। प्रमनेड पे कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये
ये शायद कोई रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा, बाकी तो ये बैंक ऑफ अमेरिका, DBS, HSBC, Stanley. The Fullerton Pavilion. यहाँ भी कोई बोटिंग का हाँ बोटिंग का ही ये लग रहा है, यहाँ से आप टिकट लेकर बोटिंग के लिए जा सकते हैं. तो ये है सिंगापुर. अगर ये सीन देख लिया कोई भी तो समझ जाएगा कि हमें सिंगापुर में. तो मैं लायन था पहले, सिंगापुर की निशानी, अब ये है. तो अगेन वेलकम टू सिंगापुर. तो कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हो जाएं, एंजॉय कीजिए इस व्यू को, बेहतरीन. बिल्कुल मरीना बे होटल के पीछे ही है गार्डन्स बाय द बे, जहाँ हम कल चलेंगे. और इधर आप सिंगापुर फ्लायर भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग लंडन आई कहते थे लंडन में जो है, और जैसे दुबई में जैसे हम एन दुबई कहते हैं, वैसे ही यहाँ इसे सिंगापुर फ्लायर कहते हैं. बेसिकली चक्री है यार, जिसमें बैठकर हम बचपन में घूमा करते थे, अब इसे बड़े से बड़े लेवल पे बनाते हैं और अपना अपना कंट्री अपना अपना नाम देती है इसे. मेलों में पहले लगता था सिंगापुर में है तो सिंगापुर फ्लायर, लंदन में है तो लंदन आई, दुबई में है तो आयन दुबई. कुछ गांधी जी का बारे में यहाँ लिखा हुआ है, महात्मा गांधी के SS यहाँ इमर्स किए हुए थे, तो आप उसे पॉज कर कर पढ़ सकते हैं. आप देख सकते हैं पियर टाइप है, छोटे मोटे बोट्स लगे हुए हैं. लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ ही देखिए ओपन में फैंस लगे हुए हैं उनकी सहूलियत के लिए. बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है. लंबी वॉक के बाद यहाँ पहुँचा हूँ. ये टॉलीवुड कहते हैं इसे, इसके चारों ओर का एरिया. उधर देखिए अभी भी पवेलियन देख सकते हैं, दूर में मेरे लाइन अब वो दिखेगा. और इधर गार्डन्स बाय द बे के सामने होटल मरीना बे सैंड्स. इस जगह को ओलंपिक वॉक कहते हैं और बिल्कुल इसके सामने ही है द शॉप्स एट मरीना बे, शॉपिंग मॉल है. चलिए इसके अंदर चलते हैं. और रात को यहाँ बहुत ही बेहद खूबसूरत एक लाइट्स शो होगा, वो देखेंगे. टाइमिंग्स आर 8 PM एंड 9 PM, हर रोज़ होता है शो. तो खैर वो तो रात के लिए, फिलहाल चल रहे हैं हम द शॉप्स के अंदर. ये स्काईलाइन है सिंगापुर का, देखिए कितना खूबसूरत है. और ये शाम होने वाली है उसका व्यू. तो एंटर करते हैं द शॉप्स एट मरीना बे सैंड्स. मरीना बे सैंड्स बेसिकली होटल का नाम है. तो उसके अंडरग्राउंड तो नहीं है ना ही बेसमेंट है, उसके डाउनस्टेयर्स भी सोच लीजिए. ये शॉपिंग मॉल है ऑफ कोर्स, ये भी बेहद खूबसूरत है. यहाँ देख सकते हैं गॉर्डन रामसे का किचन एंड बार. गॉर्डन रामसे को मेरे ख्याल से सारे ही फूडी जानते होंगे कि कौन है वो. उनके काफ़ी सारे शोज़ भी आते थे TV पर. और ये है इस मॉल की खासियत,
यहाँ भी एक छोटा सा फाउंटेन टाइप है, जैसे चांगी एयरपोर्ट में है। अब इसका टाइमिंग क्या है मुझे पता नहीं है, पता करता हूँ। और देखिए ये कुछ कुछ वेनिस की याद दिलाएगी, जैसे बोटिंग होती है वेनिस में। वैसे मैं खुद भी नहीं गया हूँ, बट आप सबने मेरे तरह देखा ज़रूर होगा और कुछ लोग आप में से गए भी होंगे। तो यहाँ बोटिंग होती है वेनिस जैसे, बेहद खूबसूरत है। देखिए ये देखिए, आप ऊपर आप मॉल का नेम भी देख सकते हैं, द शॉप सेट मरीना बे, मरीना बे सैंड। और ये देखिए नीचे, तो सारे बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। वेनिस का पूरा फील तो दे दिया, बस कमी है पे गंडोलास की। गंडोलास होते तो और ही मज़े आ जाते। शायद गंडोलास भी हैं बट फिलहाल दिख कोई नहीं रहे हैं, थोड़ा उधर जाके देखता हूँ। लेट्स सी, गंडोलास तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चलिए अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। उस टेयर से जाने के बाद शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा। स्टेयर्स और एस्केलेटर्स लेके हम पहुंच गए हैं यहाँ ऊपर, इसे कहते हैं गार्डन वॉक। यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं शाम का ढलता हुआ सूरज एंड मेलायन पानी उगलते हुए। और यहाँ आप देख सकते हैं आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, परसों चलेंगे यहाँ। तो आप देख सकते हैं गोंडोला वहाँ है और एक गोंडोला आ भी रहा है। तो ये जब यहाँ पहुँचेगा तब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर से आ रहा है गोंडोला। अब गोंडोला जैसे डिज़ाइन नहीं है, कुछ इनका अपना ही डिज़ाइन है, बट स्टेज अच्छा है ना। मॉल के अंदर बोट्स चल रहे हैं, कतर में भी कुछ इस तरह से है, मॉल के अंदर बनाया है उन्होंने ड्यूरिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप। अच्छा, ये देख लें आप एप्पल का स्टोर, और इधर लुई विटों बिल्कुल मॉल के सामने। क्या खूबसूरत शहर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
फिलहाल हम आप पहुंचे हैं मस्जिद सुल्तान मस्कट स्ट्रीट। बड़ा ही फेमस स्ट्रीट है ये, खाने पीने का आइटम से लेकर शॉपिंग के लिए भी। बाकी मस्जिद तो है ही है, बड़ा ही खूबसूरत। So, ये है वो मस्जिद सुल्तान सिंगापुर। यहाँ के डिजाइन देखिए, अरे देखिए क्या खूबसूरत है, पुराने जमाने का याद दिला देगा। दिस इज चिली क्रैब, सिंगापुर्स नेशनल डिश। मस्जिद सुल्तान के बिल्कुल सामने ही है तारिक। कॉफ़ी और चाय यहाँ की बड़ी मशहूर है, तो वहीं आए हुए हैं, ऑर्डर दिया है आइस कॉफ़ी की। लेट्स सी आपको। तो ये था वो कॉफ़ी, नॉट बैड, 3.5 सिंगापुर डॉलर्स में।